हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम हैं, तो उसमें एमसीक्यूज़ भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, राइट रॉन्ग भी आएंगे। तो आपने कितने चैप्टर की तैयारी अच्छे से कर ली है, तो हम एमसीक्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं और आप आंसर बताना, फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये, हम ज्योग्राफी का, ठीक है, जो आपका लेसन है, ठीक है, कौन सा वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है, उसके एमसीक्यू कर रहे हैं। और जो बच्चा अगर देख रहा है, अगर उसने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा तो वो पहले इसे ना करे, पढ़ने के बाद करें, फिर देखिए एनालिसिस के उसके आंसर कितने सही जाते हैं। तुक्का भिड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत में विश्व की जैव उपजातियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल सब स्पीशीज, ठीक है, सब स्पीशीज की बात हो रही है, आर फाउंड इन इंडिया। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं सीधा आंसर आपको बताऊँगा, ठीक है, और जिन्होंने आंसर लिख लिया वो अलग से कॉपी पर नोट कर देना, 8 है, ठीक है। और उसके बाद है सेकंड, इनमें से कौन सी उपजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं? विच ऑफ दीज सब स्पीशीज, ठीक है, सब स्पीशीज की बात हो रही है, आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब कगार मतलब बाउंड्री पर आ गई हैं, अगर ना बचाएगा तो दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। तो कौन है इनमें से? तो टाइगर है, पिंक हेडेड डक है, या माउंटेन जो कुकू है वो है, या ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है, तो आपको बताना है कौन है। तो इसमें ये है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे अगर हम देखते हैं ये पिंक हेडेड जो डक है वो हम पढ़ते हैं कि पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गई है ना, तो अब ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, तो हमने क्योंकि ये तीनों के तीनों, ये दोनों के दोनों जो हैं वो मतलब बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ये गायब हो गई है, ठीक है, तो इसलिए मैं ऑल ऑफ द एबव पर टिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, और बाकी एक बार जो आपकी बुक है उसमें इसे पढ़ना ज़रूर, ठीक है, पिंक हेडेड डक के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनों से ढका है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, मतलब हमारे इंडिया के अंदर कितना परसेंट जो है ना एरिया वो जंगलों से ढका हुआ है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो है आपका 24.56, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, IUCN का फुल नेम क्या है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, फुल फॉर्म है तो इसलिए इंग्लिश मीडियम में इसमें लिखा गया है। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमि पर रहने वाला सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? Which is the fastest mammal living on land? सबसे तेज कौन सा है? टाइगर है, लायन है, रैबिट है, या फॉक्स है? बाघ है, शेर है, खरगोश है, या लोमड़ी है? तो इसका जो आंसर है, सबने सही बताया होगा, टाइगर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया?
इन विच ईयर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर चार ऑप्शन में से है। ये जो जैसे मैं एक बार बोलता हूँ एकदम आ जाता ना वो, तो पिछली बार का जो है ना डिलीट नहीं होता इसलिए। तो अब मैं बता रहा हूँ इसका आंसर वो है 1972। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके चलो ठीक है, क्या है 1972। नेक्स्ट पर आ जाते हैं सेवंथ। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? वेयर इज वन हॉर्न्ड राइनोसोरस फाउंड इन इंडिया? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और असम। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप सबको पता होगा, असम। ठीक है, नेक्स्ट है आठवां। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना किस वर्ष लागू की गई थी? इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1970, 1971, 1972, 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो आपका 1973 में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, ओके, लागू की गई थी। नेक्स्ट है, हिमालय का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? विद हुम वाज द फेमस चिपको मूवमेंट ऑफ हिमालयस रिलेटेड? तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है डिफॉरेस्टेशन, वाटर क्राइसिस, एनिमल प्रोटेक्शन या पॉपुलेशन, वनों की कटाई, जल संकट, पशु संरक्षण या जनसंख्या। जैसे अगर आपको टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और फिर सोच सकते हैं, क्योंकि ठीक है अगर मैं रुकूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो जो चिपको मोमेंट है वो पेड़ों की कटाई से रिलेटेड है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ लेना। फिर किसी भी देश में लगभग कितने % भाग पर वनों का होना अनिवार्य है? मतलब जो कहा जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर कितने % पेड़ होने चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ मैंडेटरी टू हैव फॉरेस्ट ऑन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्री इन एनी कंट्री? तो इसका आंसर है 33। ठीक है, जो है ना 33 होने चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो मध्य प्रदेश है इस स्टेट में ना 33% पेड़ है, ये पूरा इसको करता है हर, मतलब ये तो मैंने राज्य की बात बताई, पूरी इंडिया की बात हो रही है कि पूरी इंडिया में मिलाकर जो है ना वो 33% होने चाहिए, लेकिन आपने देखा अभी बहुत कम है। ठीक है, और हमें इस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, 20 के आसपास है। अब 11th है कि इनमें से किस राज्य में सिरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? इन विच ऑफ द स्टेट्स इज द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या गुजरात। तो आपको पता है कि जो राजस्थान है उसमें बहुत सारे हैं, मतलब मेन तीन हैं। ठीक है, रणथंभौर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से कर लेना है, तो राजस्थान में ही सरिस्का भी है, और बाकी एक तीसरा जो है वो भी आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके। ओके, जिनको पता है वो अपने आप भी बता सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के नाम से है वो। ठीक है, तो अब आ जाइए 12th। ये कह रहा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सुंदरबन जो नेशनल पार्क है ना वो इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है? तो वही चार ऑप्शन आपके सामने, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा या बिहार। तो आपको इसका आंसर सुंदरबन डेल्टा है, कहाँ पर है आपको पता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, ये तो मैप में भरने के लिए बहुत बार आता है। ठीक है, तो अच्छे से पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इंडिया का वो कहाँ पर है। तो ये है हमारा
हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर आप हिमाचल जा रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर मौका मिले तो जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 14, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों की शुरुआत कब की गई? When were joint forest management program started in India? तो जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है ना, वो 1988 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1988 में। और आज का फिर लास्ट क्वेश्चन है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। चीता को भारत में कब जो है एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, मतलब कि गायब ही हो गया चीते को, ठीक है। बताओ कब किया गया था? 50 में, 51 में, 52 में, 53 में, 52 में, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है कुछ, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट था, व्हेन वाज द चीता डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया? तो इसका आंसर है 1952। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।